अय्यूब की पुस्तक अध्याय सात। अय्यूब की पुस्तक अध्याय सात। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे, वह मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूं, और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई है। जब मैं लेट जाता तब कहता हूं कि मैं कब उठूंगा और रात कब बीतेगी, और पह फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूं। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है, और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। जो मुझे अब देखता है उन्हें मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं न मिलूंगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाते हैं, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपने मन का खेद खोलकर कहूंगा, और अपने जीव की कड़ुवाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। क्या मैं समुद्र हूं वा मगरमच्छ हूं कि तू मुझ पर पहरा ठहराता है? जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछोने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे सपनों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है, यहां तक कि मेरा जी फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सास सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण उसे जांचता रहे? तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल सकूं? हे मनुष्य के ताकने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना दिया है, यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ हुआ हूं? और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा।